दोस्तों, ऑफिस, घर, स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग, किचन और इसके साइकिल के चक्कर में कभी कभी जिंदगी में बहुत ज़्यादा बोरियत हो जाती। तो अगर ऐसा कोई जगह पे जाने का मौका मिले जहाँ पे नेचर हो, शहर के बीचों बीच हो, और बिल्कुल ऐसा ही एक रिजॉर्ट दिल्ली NCR के पास, क्यों ना घूम करके आए। चलो देखोगे स्मैशिंग कपल के साथ। हाँ हाँ इस बार तुम जा रहे हो। के दादा थैंक यू। कम लेट्स गो। हाय, गुड आफ्टरनून। विनायक दास गुप्ता। या बंद है। तुम लोग पहले से आ चुके हो। ओके 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 ओके। दिस इज सो गुड। हाँ, हैप्पी एनिवर्सरी। Happy anniversary, Binayak. Happy anniversary, Anujita. Thank you. वहाँ पे भी लिखा है उन्होंने Happy anniversary. Wow. Wow. Oh! So, study. वॉशरूम, सूटकेसेस, टिकू का खाने का कटोरा, बहुत ही स्पेशियस वॉशरूम, एंड दिस इज मी, टॉयलेट्रीज, सो दैट्स इट, शॉर्ट एंड स्वीट रूम टूर। हाय हाय। तो आज से 19 साल पहले इस टाइम में तुम क्या कर रही थी? मुझे याद भी नहीं है। मैं इतनी एक्साइटेड थी शादी के लिए, सच में। बाकी कुछ भी एक्साइटेड नहीं, कुछ कोई कोई भी याद नहीं है, सिर्फ एक्साइटमेंट याद है। मैं एक्चुअली इस बार तुम क्या कर रहे थे? तुम फेशियल कर रहे थे? मैं फेशियल कर रहा था। कोई मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मैं एक लोकल सैलून में गया था नुक्कड़ में। दिस इज सो गुड। कैसा लग रहा है लीना? अरे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसे भी बाहर पसंद है। दीज आर द रूम्स, इस तरफ से है गार्डन फेसिंग रूम्स। सो नाइस सो गुड। हमारा लास्ट है। अब लास्ट क्यों है ये नहीं पता। फर्स्ट है। फर्स्ट है? हाँ देखो यार, यू आर सो पॉजिटिव। हाँ मैंने सोचा इस तरफ से लास्ट है, तुमने सोचा फर्स्ट है, और भाई साहब ने अपने आप को छुड़ा लिया। डिंगो कम 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 किधर जाएगा? दिस ट्री, ये जो पेड़ है इसमें जो ये वाइट फ्लावर्स है, ये तो गुड़गांव में बहुत ज़्यादा कॉमन है। आई जस्ट लव दिस। और मैं ये अपने बालकनी में भी एक छोटा सा इसका पौधा लगाने वाली हूँ। काफ़ी दिनों से प्लान कर रही हूँ, और ये फ़ोटो खींच के ले जाऊँगी मैं, एंड आई गेट दिस प्लांट, मैं लेकर आऊँगी। टू गुड, टू गुड। I'm so happy we came here. Come, 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 come. Good boy, good boy. This is what they got for us. Let's go. ये हटा दे। हाँ ये हटा दो। हम बुकड़ है, बुकड़। ऐसा तीन खा लेते खाएंगे। चलो कोई नहीं, बैठ के चाय पीते हैं, फिर डिनर पे मिलते हैं।
बर्ड्स है काफी सारे बिल्ली यहाँ पे दो पैर है यहाँ पे हाँ कपल है कपल तो हम लोग निकले हैं पर सैर करने के लिए रिजॉर्ट का एंड दिख रहा है आपको जैसे टिंगो इज हैविंग द बेस्ट टाइम एक्चुअली फ्रैंकली टू स्पीक आई एम सेइंग द बेस्ट टाइम फ्रैंकली टू स्पीक बिकॉज एक तो है बीगल उसको सूंघना बहुत अच्छा लगता है तरह तरह के स्मेल मिल रहे क्या हो बड़ा कुत्ता है नो नथिंग सो सारे रूम्स एक्चुअली ऑक्यूपाइड नहीं है ऐसा लग रहा है बट बाहर से देखना मुश्किल है लाइट जलने के बाद समझ में आएगा कि जितने भी रूम्स में लाइट्स हैं उतने रूम्स में लोग हैं क्यों हाँ, है ना एक्चुअली हाँ. रिजॉर्ट हमने पूरा अभी भी देखा नहीं है और होटल व्हाटएवर इट इज तो कल तक पता चलेगा हाँ. कैसा है क्या है इस रिजॉर्ट में बहुत सारे एक्टिविटीज है तो हम कुछ तो सोच रहे हैं कि एक्सप्लोर करेंगे हम लोग करे ना करे आदि बहुत पुश कर रहा है एक्टिविटीज के लिए सामने कार्ड से उसके चक्कर में शायद हम भी थोड़ा बहुत कर ले थोड़ा घर पे बच्चे होते हैं ना तो उनके साथ कभी कभी हमें भी मौका मिलता है खो लेना पड़ता है हमें भी मौका मिलता है बच्चा बन जाने का चलो आगे चलते और देखते हैं क्या है So this is inside the hotel. इस तरफ कोई construction चल रहा है बहुत बड़े एरिया में अंदर क्या है समझ में तो नहीं आ रहा है बट हाँ वहाँ पे construction चल रहा है अंदर में इस तरफ क्या भैया एक्टिविटी एरिया है और ये construction क्या चीज़ का है होटल का ही है स्विमिंग पूल बन रहा है फ्यूचर में वेरी गुड और कुछ बनेगा उस तरफ रूम्स इंक्रीज होंगे बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास तो भैया कह रहे फ्यूचर में जो लोग आएंगे पूरा अच्छे से एंजॉय कर सकेंगे पूल तो उस तरफ हम चल रहे हैं एक्टिविटी एरिया के लिए आप में से जो भी लोग फ्यूचर में आओगे बड़ा अच्छा पूल मिलेगा कह रहे भैया हाँ। और भी सारे रूम्स बन रहे हैं उस तरफ दे है वो पूल ना भी? नहीं दैट पूल इज अंडर कंस्ट्रक्शन इट्स गेटिंग बिगर और इस एरिया में और भी रूम्स बन रहे हैं बहुत सारे रूम्स बन रहे हैं अच्छी बात है ना फ्यूचर में जो लोग आएंगे तो चलो लेट्स गो टू द यहाँ पे गार्डन बहुत बड़ा है वेरी नाइस वेरी बिग एंड हम लोग एक्टिविटी एरिया की ओर जा रहे हैं और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या है एक्टिविटी एरिया बहुत बड़ा फील्ड है मैदान है फ्लड लाइट्स लगे हैं और सिक्योर है सेफ है मुझे तो लगता है कि इफ यू आर हेल्थ कॉन्शियस कैन हैव अ वॉक हियर होटल में अगर खाना ज़्यादा हो जाए ना तो ये जगह तो खा के उतार लो खा के उतार लो फिर खा लो फिर उतारने का जगह ये क्रिकेट पिच है यहाँ पे रन करने के लिए बहुत अच्छा जगह है रन बिना रन नहीं नॉट इन मूड टू रन नाउ शाम के 7 बज चुके हैं बट इट लुक्स लाइक डे टाइम टू गुड भूख भरती है यहाँ पे तो जहाँ तक मुझे दिख रहा है बच्चों के खेलने का है कुछ स्लाइड्स हैं लोग बैडमिंटन शायद रैकेट लेके आए हैं वी हैव अ जिप लाइन देयर आई कैन सी अ जिप लाइन बिग ट्रैम्पोलिन असिस्टेड ट्रैम्पोलिन है उधर और आई वांट टू गो ऑन दिस कम मे बी टुमारो वी हैव अ साइकिल साइकिलिंग कर सकते हैं ना भैया ऑल टेरेन बाइक देयर Which you can ride on your own. Oh yeah. Oh yeah. This boy is super excited ATP के लिए. Oh यहाँ पे net के साथ net practice. It's too good. Dingo को लेके जा रहे ऊंट के पास. हाँ size भी बड़ा है. हाँ he's not interested. चलो रेगिस्तान का जहाज तुम्हें सलाम. यहाँ पे rain dance होता है. करोगे इंटरेस्टेड टिप टिप बरसा पानी पानी में आग लगाए क्यों चले
happened? You go. What? No, no. I tried twice, but I fell down once. So it's better that you go. भैया भैया चला देंगे तुम्हें. So we are going for dinner. Dinner कहाँ पे? उस तरफ है? कहीं ऊपर? Where is the dinner? Yes sir, first floor. This one, this way. Yes, okay, thank you. First floor. Thank you. First floor. Let's take the stairs. Wow, this kind of a jungle feeling, huh? Wow, this place looks nice, wonderful, cozy. 109. Buffet, hello. Thank you. Buffet, heavy? Oh, hai. Buffet, us taraf hai? Thank you. Take this seat. Closest to the food. Closest. Spread is good. Spread yes. Acha hai. Looks good, huh? Mm-hmm. Salad section. क्या करूँ, खिलाना पड़ता है बच्चे को और उसको बहुत भूख लगा है। So day 2 and we are in the activity zone ki ho ja rahe ha thoda paas aa jao nahi to blur aa jayega ha ha aage tak to ghus hi ja rahe mobile mein sab log but anyway we had a great time ruko adi to we had a great time here dikhata hu heading chal let's go ye maine lamba leash liya hai 15 feet ka ये अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है ताकि यू नो कंट्रोल भी रहे दूरी भी रहे भाग भी ना जाए मेरा हाथ मिला लो तो 20 फुट नहीं मेरे 5 फुट का हाथ तो नहीं होगा मेरा ढाई किलो के हाथ की तरह ढाई फुट का हाथ होगा
3 एंड वी आर चेकिंग आउट टुडे. बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, वेरी नाइस एक्सपीरियंस, वेरी गुड होटल. और क्या बोलूँ, शहर में के बिल्डिंग्स के बीचों बीच रहते रहते कभी कभी जो है ना हम एकदम परेशान हो जाते हैं, हम एकदम थक जाते हैं. और अगर घर के आसपास ऐसा कोई रिट्रीट मिले, कोई जगह मिले जहाँ पे हम रह सके अच्छे से, वी कैन हैव फन. और ग्रीनरी, घर से निकलते हैं आपको गार्डन मिले. कहाँ फ्लैट्स वैट्स में जब मैक्सिमम लोग हम ऐसे रहते हैं, आजकल पॉसिबल नहीं होता. दिस हैज़ बीन रियली रियली गुड. फूड हैज़ बीन ग्रेट, ब्रेकफास्ट हैज़ बीन ग्रेट. वहाँ पे इतना शॉर्ट्स नहीं ले पाए बिकॉज लोग थे, उनके प्राइवेसी इश्यूज था. खाना पीना, एक्टिविटीज़ तो ज़बरदस्त. एक्टिविटीज़ आर द मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस प्रॉपर्टी. वैसे सारे ही अट्रैक्शन हैं. कोई भी स्टे में अगर रूम्स क्लीन हो, क्लीन, बहुत क्लीन रूम्स है, सर्विस बहुत प्रॉम्प्ट है, ग्रीन है, क्या नहीं है, एक्टिविटीज है, वी हैड लॉट ऑफ फन, का बहुत मजा किया. एक्टिविटीज का भी वीडियो आप देखेंगे exactly. और सारा थक हार के जब हम लोगों ने फिर डिनर में जाके इतना अच्छा खाना, इतना अच्छा स्प्रेड, मतलब एक एक दिन बहुत वेल स्पेंट. सो दैट्स ऑल. आदि कम हियर. और हमारे लिए तो क्योंकि हम डिंगो को लेकर आए हैं इस ट्रिप में, तो इट्स अ कंप्लीट या तरह तरह की खुशबू उसको हर जगह, तो इट्स पेट के लिए भी हम एक ब्रेक हो जाता है. सो चलो इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं. दिस हैज बीन अ 3-day रिव्यू ऑफ ताज गेटवे रिजॉर्ट दमदमा. एंड अगर जितने भी स्टाफ और मैनेजमेंट है इस रिजॉर्ट का आप सुन रहे हो, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग केयर ऑफ अस. दैट्स ऑल इन दिस ब्लॉग. टेक केयर, कीप स्मैशिंग, कीप रॉकिंग.